लोकसभा चुनाव के लिए सारे पार्टियां बिहार में तैयार हो गई है बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ दो ऐसे सीट हैं डेहरी ऑन ओनसोन और नवादा जहां पे विधानसभा उपचुनाव भी होनी है हमारे साथ बात करने के लिए संभावित उम्मीदवार बबल कश्यप है जो डेहरी ऑन सोन से अपनी दावेदारी ठोकने के मोड मूड में है और आपको बता दें डेहरी ऑन सोन इलियास हुसैन का सीट था जो लगातार पाँच बार से विधायक थे अलकतरा घोटाला में नाम आने के बाद उनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ी अवल कश्यप जी से हम बात करेंगे अवल कश्यप जी बताइए कितनी आपकी दावेदारी है वहाँ पर और किस कैसे लग रहा है जो आप वहाँ से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कर कार्यकर्ता हूँ और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते आया हूँ पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने अपनी दावेदारी पेश की है और निश्चित तौर पर मैं मन बना चुका हूँ चुनाव लड़ूंगा और मजबूत दावेदारी की है मैंने और जनता का भी अपार समर्थन मुझको प्राप्त है ख़ासकर युवा वर्ग एकदम चाहता है कि बबल कश्यप आए चुनाव लड़े और वो लोग सारे लोग मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में उस सीट को हम लोग डाल के और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे देखिए डेहरी ऑन सोन में तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता दो तीन चीज़ें हैं एक तो डालमिया नगर कारखाना वहाँ पे है उसको खुलवाना डेहरी ऑन सोन को जिला मुख्यालय बनाना डेहरी में एक भी पार्क नहीं है डेहरी में एक भी खेल का मैदान नहीं है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए क्षेत्र की जनता लंबे समय से संघर्ष करते आ रही है किसी जनप्रतिनिधि का इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान गया नहीं है क्योंकि वहाँ के लोकल कोई लोग लड़े भी नहीं हैं तो मैं वहाँ का लोकल हूँ मैं वहाँ का स्थानीय निवासी हूँ तो मुझे बारीकी से पता है कि इस क्षेत्र की जनता को क्या क्या चाहिए और उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते आ रहे हैं तो अगर मैं विधायक बना तो इन सब चीज़ों को अपनी प्राथमिकता में रख के इन सब चीज़ों को काम मैं करवाऊँगा